लोकसभा चुनाव को लेकर जहां इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन से अलग कांग्रेस अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने 139वें स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में एक नई जंग का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को बीजेपी को टारगेट किया है, ये दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस में अब भी वो पुराना दम बाकी है? क्योंकि बात चुनाव की होती है तो मुद्दों को भी देखा सुना जाता है, इसलिए जरूरी है जानना कि कांग्रेस आखिर अकेले आगे जा रही है या गठबंधन में रहकर, और अगर गठबंधन में है तो मुद्दे भी सबके एक होने चाहिए और क्रेडिट किसी एक पार्टी का नहीं होना चाहिए। लेकिन नागपुर में कांग्रेस ने दिखाया कि कांग्रेस ही है जिसने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। ये बात आखिर क्यों उठ रही है? वो इसलिए क्योंकि हमने अक्सर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कई बार और कई जगहों पर सुनते हुए देखा है कि कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना, ओबीसी मुद्दे जैसे मुद्दों को उठा रही है। लेकिन उनकी पार्टी बहुत पहले से ही ऐसे मुद्दों पर बात कर चुकी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है जब राहुल गांधी इस मामले पर जवाब दे रहे हैं कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना हो, हमारे पिछड़े दलित आदिवासी भाइयों को सम्मान मिले। आज देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी, वो भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ये वो मध्यप्रदेश है जहां कभी बीजेपी कभी कांग्रेस और विकल्प के रूप में कोई तीसरी पार्टी नहीं बनी, लेकिन जिस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप मदद करना, सहयोग करना, तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी मध्यप्रदेश में काम करने वाली है। जो बात कभी समाजवादी लोग कहते थे कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना हो, हमारे पिछड़े दलित आदिवासी भाइयों को सम्मान मिले, आज देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी, वो भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ये वो मध्यप्रदेश है जहां कभी बीजेपी कभी कांग्रेस और विकल्प के रूप में कोई तीसरी पार्टी नहीं बनी, लेकिन जिस तरह की संभावनाएं दिख रही है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप मदद करना, सहयोग करना, दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि जाति जनगणना कोई क्षेत्र दल नहीं कर सकता, ये कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस काम के लिए कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी की जरूरत पड़ेगी और ये काम सिर्फ उनकी पार्टी ही कर सकती है। वैसे तो कांग्रेस ने गुरुवार यानी कि 28 दिसंबर को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया, लेकिन खबरों की माने तो इसके बाद एक बैठक भी हुई थी जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति बनाई गई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मजे की बात यह है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर भी एक पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश की गई। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने यूपी में बहुत ज्यादा शर्मनाक प्रदर्शन किया था और राहुल गांधी अपनी संसदीय सीट अमेठी भी हार गए थे, इसलिए इस बार कांग्रेस का फोकस यूपी पर ज्यादा है, तो राहुल ने साफ कर दिया है कि वो इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। तो मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा देखिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल जाते हैं, पहले अपने आप को ओबीसी कहते थे, मेरे भाषण के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक जात है, वो भी गरीब। अगर हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात तो आप ओबीसी कैसे बन गए? तो हमने निर्णय ले रखा है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, हम जाति जनगणना आपके लिए करके दिखा देंगे। अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा। कांग्रेस ने तेलंगाना जीतकर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश गवा दिया। यही वजह है कि कांग्रेस लोकसभा चुनावों पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। पार्टी की तरफ से जाति जनगणना, ओबीसी के मुद्दों और महिला आरक्षण जैसे विषयों को उठाया जा रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में 2024 चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है, इसमें समाजवादी पार्टी भी हिस्सा है। हालांकि कई बार दोनों पार्टियों के बीच तल्खी भी देखी गई है। इसके साथ ही यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर भी दोनों में टेंशन बनी हुई है।